भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बार एसीबी ने राजधानी के माणक चौक थाने के एक एएसआई को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की गिरफ्त में आया घूसखोर एएसआई रघुवीर सिंह है। एसीबी के जांच अधिकारी हेमंत वर्मा ने बताया कि परिवादी अभिषेक सोनी ने एसीबी मुख्यालय में इस संबंध में परिवाद दर्ज करवाया था। परिवादी ने बताया था कि कुछ दिन पहले उसका किसी युवक से विवाद हो गया था। शिकायत थाने पहुंचने पर आरोपी एएसआई रघुवीर सिंह ने उससे संपर्क किया और मारपीट के मामले को रफा दफा करने की एवज में 30,000 रुपए की मांग की। दोनों के बीच में 25,000 रुपए में सौदा तय हुआ। शिकायत को पुख्ता करते हुए एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी एएसआई ने परिवादी से रिश्वत की यह रकम ली तो कुछ ही दूर ही मौजूद एसीबी टीम ने आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ में दबोच लिया। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की जांच कर रही है। इन्हें शिकायत की थी कि उसके खिलाफ, उसके पिता के खिलाफ और उसके भाई के खिलाफ माणक चौक थाने में एक मुकदमा दर्ज है जिसकी जांच रघुवीर सिंह एएसआई द्वारा की जा रही है। रघुवीर सिंह उस मुकदमे में राहत देने के नाम पर 25,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। वेरिफिकेशन हमने करवाया तो उसमें 25,000 रुपये की मांग की पुष्टि हुई और आज इंदिरा मार्केट में 25,000 रुपये का लेन देन करते हुए एएसआई को रंगे हाथों पकड़ लिया। राह चलते आदमी से झगड़ा हुआ था, उसके विरुद्ध उसने गाड़ी में मेरी गाड़ी की फ़ोटो खींच करके माणक चौक थाने में दे दी थी। एफआईआर रघुवीर सिंह का मेरे पास कॉल आया 18-19 तारीख को, बोले आपके खिलाफ ये एफआईआर वगैरह दर्ज है। तो मैं गया थाने, इसमें उसने मेरे से बैठा लिया। एक दो घंटे बैठाने के बाद में उसने मेरे से कहा कि 25,000 रुपये में ये मेटल सुलट जाएगा, आपके भाई को भी नहीं आना पड़ेगा, आपकी गाड़ी भी जब्त नहीं होगी, आपके 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मैंने ठीक है मैं दे दूंगा। तो आना का नहीं करते करते इसको 5-7-10 दिन इसने घुला दिया, बोला अभी नहीं लूँगा, कल लूँगा, परसों लूँगा। 3-4 दिन मेरे को बुला करके इसने आज 22 तारीख को सुबह मेरे 9:30 बजे समथिंग मेरे घर पर पहुँच करके मुझसे पैसों की डिमांड करी। आज मेरी गेट मुझे बुला करके